गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लास एंड दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर बुक। एज यू नो, वी हैव ऑलरेडी रीड दिस चैप्टर, सो लेट्स रिमेंबर। फर्स्ट नंबर पे जो है हमने क्या किया था, रीडिंग और एक्सप्लेनेशन, चैप्टर को रीड करके उसको एक्सप्लेन किया था। सेकंड नंबर पे इंट्रोडक्शन, हार्ड वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग्स, ये हमने किए थे नोटबुक पे। उसके बाद टिक द करेक्ट आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एंड मैचिंग, ये थी आपकी बुक एक्सरसाइज जो हमने करी थी किस में, बुक में। फोर्थ थे हमारे क्वेश्चन आंसर, ये हमने किए थे नोटबुक में। तो अब जो है हम इसका ग्रामर पार्ट करेंगे, जो हमारा ग्रामर पार्ट फर्स्ट चैप्टर का रह गया था, अब हम वो कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एंड दिस इज़ द ग्रामर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, फन विद वर्ड्स। एफ पार्ट है इसका, सर्कल द ऑड वन आउट, मतलब जो इसमें सबसे अलग है हमें उसको सर्कल करना है। फर्स्ट है हमारा हट, हट, कट, पुट, शट। तो इसमें जो है, इसमें जो बाकी के वर्ड्स हैं, इसमें कोई भी मात्रा वाली हमें बोलने पे मात्रा नहीं लगानी पड़ रही, लेकिन पुट में जो है हमें छोटे ऊ की मात्रा लगानी पड़ रही है। तो ये क्या हो जाएगा, हमें इसको सर्कल करना है, ये जो है हमारा ऑड होगा। सेकंड नंबर पे हॉल, कॉल, वॉल, शल, तो इसमें सबसे ऑड क्या हो जाएगा, शल। थर्ड हमारा मैन, कैन, सिटी, फैन, थर्ड में हमारा हो जाएगा सिटी। फोर्थ डेट, डीप, रीप, हीप, तो इसमें हमारा हो जाएगा डेट। तो इसमें जो है हमें जो सबसे अलग थे, जो इनसे मैच नहीं कर रहे थे, उनमें जो है सर्कल करना था। नेक्स्ट पार्ट है इसका आपका पार्ट जी, करेक्ट द स्पेलिंग्स ऑफ दीज जंबल वर्ड्स, मतलब जो हमें इसमें जंबल वर्ड्स दिए हैं उनकी स्पेलिंग करेक्ट करनी है। फर्स्ट में है हमारा एस ए एल एल एच, तो इसको जो है हम करेक्ट करके क्या कर देंगे, शेल, एस एच ए डबल एल, शेल। सेकंड है हमारा यहाँ पे देख सकते हैं आप बी टी ई ए, तो इसको हम करेक्ट करके हमने क्या कर दिया, बी ई ए टी, बीट। थर्ड था हमारा एस एच बी यू, इसको हमने सही करके क्या किया, बी यू एस एच, बश। थर्ड था हमारा टी एच ई ए आर, तो इसको हमने क्या बना दिया है, अर्थ। लास्ट के थ्री लेटर्स को स्टार्टिंग में लिख दिया है और स्टार्टिंग के टू लेटर्स को कर दिया है हमने लास्ट में, तो ये क्या बन जाएगा, अर्थ। फिफ्थ है हमारा आर ए जी ई सी ओ यू, इसको हमने कर दिया है लास्ट के थ्री लेटर्स जो हैं सी ओ यू, इसको हमने देखो स्टार्टिंग में कर दिया है, और स्टार्टिंग के जो फोर वर्ड्स हैं आर ए जी ई उसको हमने कर दिया है लास्ट में, तो ये क्या बन गया, करेज। फोर्थ सॉरी सिक्स्थ, सिक्स्थ को हम बना देंगे मास्टर, सेवन्थ का हमने बना दिया है ऑलरेडी ए एल और ए एल आर ई ए डी वाई। एट्थ को बना दिया हमने लास्ट के थ्री लेटर्स लेके एफ ओ आर, और स्टार्टिंग के फोर लेटर्स लास्ट में कर देंगे, तो ये बन जाएगा फोर गेव। नाइन्थ, नाइन्थ में हम बना देंगे इसको लास्ट के थ्री लेटर्स लेके सी ई आर, और स्टार्टिंग के फोर लेटर्स को कर देंगे लास्ट में, तो ये बन जाएगा सर्टेन। इसी तरीके से टेंथ, टेंथ हमारा बन जाएगा जार, जे ए आर। इसका एच पार्ट है गिव द थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स, इसमें आपको वर्ब दे रखी हैं, इसकी हमें
एक वर्ब दे रखी है प्रेजेंट वाली और हमें इसकी पास्ट एंड फ्यूचर वाली लिखनी है, इसमें कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट है हमारा ईट, ई ए टी, ईट। तो ईट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? एट, ए टी ई। थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटन, ई ए टी एन। सेकंड है हमारा स्पीक, स्पीक की सेकंड फॉर्म वर्ब की स्पोक एंड थर्ड फॉर्म स्पोकन। थर्ड है हमारा कट, कट की सेकंड फॉर्म भी कट रहती है और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? कट। फोर्थ है हमारा बीट, बीट का क्या होता है? सेकंड फॉर्म बीट, थर्ड फॉर्म बीटन, लास्ट में जो है ई एन लग जाएगा। फिफ्थ है हमारा स्पीड, स्पीड की सेकंड फॉर्म हो जाएगी स्पेड और थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्पेड। सिक्स्थ है हमारा मेक, मेक की सेकंड फॉर्म मेड, थर्ड फॉर्म मेड। तो स्टूडेंट्स, जो आपके ये वर्ब्स हैं, वर्ब्स की फॉर्म थ्री फॉर्म्स आपको ये लर्न करनी है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपकी ग्रामर में भी आ सकता है ये, और ग्रामर में होता भी है ये चैप्टर, जो हम ग्रामर में भी इसको स्टडी करेंगे इस चैप्टर को। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ये सभी स्टूडेंट्स को अपनी बुक में नीट एंड क्लीन इस वर्क को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे बूस्ट योर ग्रामर। सो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे बूस्ट योर ग्रामर। फर्स्ट नंबर पे देखिए, ऑलमोस्ट एंड टू एडवर्ब ऑफ डिग्री। जो ऑलमोस्ट एंड टू होते हैं वो एडवर्ब ऑफ डिग्री होते हैं। एग्जाम्पल्स लेंगे हम लेसन से, इसी जो हमने चैप्टर पढ़ा था ये प्रोमेथियस का, फर्स्ट मैन ऑन द अर्थ, इसमें से ही हमने एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए हैं। ए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर ए, ही फाउंड प्रोमेथियस ऑलमोस्ट अ मैच फॉर द गॉड्स। मतलब उसने जो है प्रोमेथियस को जो गॉड थे उनके बराबर का माना था, उन उसके बराबर का ही पाया था। बी पार्ट, इट वो बट इट वॉज टू लेट, मतलब लेकिन बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। इन द फर्स्ट सेंटेंस ऑलमोस्ट मीन्स नियरली, मतलब फर्स्ट सेंटेंस में जो ऑलमोस्ट का मतलब है वो क्या होता है? नियरली, मतलब नज़दीक। जो हम कोई एक वर्ड होता है उसके बिल्कुल नज़दीक नज़दीक, उसी से मिलता जुलता। सेकेंड, इन द सेकेंड सेंटेंस टू मीन्स वेरी, और सेकेंड सेंटेंस में टू का मतलब क्या है? वेरी। इसका आई पार्ट, नाउ राइट ऑलमोस्ट और टू इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स एंड कम्प्लीट द सेंटेंस। मतलब हमें इसमें ऑलमोस्ट और टू फिल करके सेंटेंस को कम्प्लीट करना है। फर्स्ट है हमारा, माई सिस्टर लुक्स डैश लाइक मी। तो जो उसकी सिस्टर होगी, तो इसमें क्या आएगा? ऑलमोस्ट, मतलब जो मेरी सिस्टर है वो मेरी तरह ही लगती है, मतलब नियरली। मतलब ऑलमोस्ट का मतलब इसमें नियरली हो जाएगा ना, उसकी तरह ही सेम, टू तो नहीं लगाएंगे कि बहुत ज़्यादा। तो सेकंड में है हमारा, द मैन इज़ टू ओल्ड टू वर्क। तो इसमें हो जाएगा टू, मतलब जो आदमी है वो काम करने के लिए बहुत ज़्यादा बूढ़ा है। नेक्स्ट पार्ट है थर्ड। थर्ड है हमारा, इट वॉज डैश डार्क आउटसाइड सो आई टुक अ लैम्प विद मी। तो यहाँ पे क्या आएगा? टू, मतलब बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा था, ठीक है, जिसके कारण मैं अपने साथ क्या ले गई? लैम्प। फोर्थ, ही सेड डैट हिज वर्क वॉज डैश डन मीन्स ऑलमोस्ट, मतलब उसका जो, उसने क्या बोला कि उसका जो वर्क है उसका काम ख़त्म होने वाला ही है, मतलब ख़त्म होने के करीब है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑलमोस्ट। फिफ्थ है, द क्रिकेट मैच वॉज डैश ओवर When it began to rain, मतलब इसमें क्या हो जाएगा हमारा? ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट क्यों हुआ है? क्योंकि जो मैच था वो क्रिकेट मैच वो ख़त्म होने वाला था। क्यों? क्योंकि जो रेन स्टार्ट हो गई थी, बारिश स्टार्ट हो गई थी। ओके, नेक्स्ट पार्ट है आपका एक्टिविटी टाइम। ओके, इसमें आपको एंड पार्ट है आपका फर्स्ट चैप्टर का, Identify the following gods and goddesses and write their names.
इसमें आपको जो भगवान और देवी देवता दिए गए हैं उनके नाम लिखने हैं, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये आपको खुद से ही करना है अपनी बुक में अपने पेरेंट्स की हेल्प से। अगर आपको नाम इनके नहीं पता है तो आप अपने पेरेंट्स से पूछिए और आपको यहाँ पे इनके नाम फिल करने हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें जो आपको बुक वर्क करवाया है इस वीडियो में, आपको अपना ये पूरा वर्क बुक में नीट एंड क्लीन करना है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।